है क्या दोस्तों, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। लेके आ चुकी तुम लोगों के लिए एक और हिप हॉप न्यूज़ वाली वीडियो। तो सबसे पहले न्यूज़ निकल के आती है जवान के प्रीव्यू को लेकर। तो उसके अंदर हम लोग को एक स्निपेट सुनने को मिला जो कि राजा कुमारी का है, तो आप लोग स्क्रीन पे देख सकते हो। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें तो एमिवे बंटाया ने अपने शो में कल के दिन यहाँ पर एक चीज़ रिवील की जो कि मेरे को एक्सपेक्टेड नहीं था, मेरे को क्या किसी को भी एक्सपेक्टेड नहीं था। तो बेसिकली वो बता रहे थे कि 500 रुपये से स्टार्ट किया था उन्होंने शो पे आना, और अभी के लिए जो उनकी वैल्यू हो चुकी है वो करीब 25 लाख हो चुकी है। लेकिन कल के दिन उन्होंने 33 लाख का जो एग्जैक्ट अमाउंट है उन्होंने वो रिवील किया, तो वो वाली वीडियो आप लोग देख सकते हो। 500 में किया है शो, 25 लाख है अभी इंडोर आउटडोर तो स्टेडियम पैक है, अभी 25 मिले 33 लाख है। सीधा माइक पे सच्चे रेट वेट बता दे क्या बता है सबसे बाबा, सब तुम लोगों का प्यार है अल्हम्दुलिल्लाह। एक चीज बोलूंगा बाबा, अल्हम्दुलिल्लाह ऊपर वाले के बिना आप सब कुछ नहीं है लाला। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें तो 50 सेंट जो कि अमेरिकन रैपर हैं वो इंडिया में आने वाले हैं और डीवाई पाटिल स्टेडियम में परफॉर्म करने वाले हैं नवंबर में। तो उसी के कमेंट में भी हम लोग को डिवाइन वगैरह देखने को मिले थे, तो शायद से हम लोग को वो वहां पर देखने को मिल सकते हैं, और साथ ही में ये वाली वीडियो जो है वो भी आप लोग देख सकते हो। Namaste India, it's your boy 50. I got crazy news for you. I'm coming to Mumbai, India in November. It's going down, the final lap tour. वैसे अगर हम लोग डिवाइन भाई की बात कर ही रहे हैं तो उनके जो चोरनी गाना आया है उसके स्टैट्स के बारे में बात कर लेते हैं। तो वो बन चुका है मोस्ट व्यूड सॉन्ग यूट्यूब के ऊपर 24 घंटे के अंदर, जो कि आप लोग देख ही सकते हो कि टॉप पर हम लोग को देखने को मिल रहा है। साथ ही में स्पॉटिफाई के ऊपर भी इसने 3 मिलियन स्ट्रीम्स जो हैं वो भी कंप्लीट कर लिए हैं, और अभी तो और भी ज़्यादा हो गए होंगे। सो अभी के लिए गाना जिस तरीके से हम लोग ने सोचा था परफॉर्म करेगा उसी तरीके से परफॉर्म कर रहा है। नेक्स्ट अपडेट निकल के आती है हमारी किंग भाई की तरफ से। तो जो किंग भाई हैं वो हम लोगों को इंडिया फोरम के एक आर्टिकल में फीचर होते हुए दिखाई दिए। बेसिकली उसमें यही लिखा हुआ था कि टॉप 5 सिंगर लिस्ट में वो आते हैं जिन्होंने 2023 में धमाल मचा रखा है, और अभी के लिए उन्होंने ये भी लिखा हुआ था कि जो थर्ड क्वार्टर होने वाला है 2023 का वो नेक्स्ट लेवल होने वाला है बिकॉज ऑफ EP जो उनकी न्यू लाइफ EP आ रही है। तो देखते हैं कि EP में क्या सीन रहता है, अभी के लिए तो बस वेट ही कर सकते हैं। आई होप कि तुम लोग को वीडियो पसंद आई होगी, लाइक कर दो, शेयर कर दो अपने दोस्तों के साथ। मिलते हैं तुमसे ऐसी ही बेहतरीन अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो।